सभी को जय सु बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, गिरजाघर। बच्चों, क्या आप गिरजाघर जाते हैं? आप कब गिरजाघर जाते हैं? आप वहाँ क्या देखते हैं? गिरजाघर एक पवित्र स्थान है। हम पवित्र मिस्सा बलिदान गिरजाघर में चढ़ाते हैं। गिरजाघर में ईश्वर हाजिर रहते हैं। यह प्रार्थना करने का स्थान है। यह आराधना का स्थान है। विश्व मंडल के प्रभु, कितना रम्य है तेरा मंदिर। आमतौर पर एक शहर में क्रिस्ते परिवार है। संसार भर में क्रिस्तीय लोग फैले हुए हैं। सारे क्रिस्तीय लोग मिलकर एक समुदाय बनाते हैं। यह परमेश्वर का एक बड़ा परिवार है। हम इस क्रिस्तीय समाज को कलीसिया कहते हैं। शुरू के क्रिस्तीय समुदाय के जीवन के बारे में पवित्र बाइबल हमें यह बताता है। नए विश्वासी दचित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे। भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभुभोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। आज भी क्रिस्तीय लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? वे प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। वे यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। मैं अक्सर गिरजाघर जाऊंगा। मैं हर रविवार को मिस्सा बलिदान में भाग लूंगा। मैं गिरजाघर में अच्छी तरह से रहूंगा। मैं भक्ति के साथ प्रार्थना करूंगा। गिरजाघर में जाइए। गिरजाघर जाकर ये सारी चीजें देखिए। पवित्र क्रूस, पवित्र संदूक, पवित्र बाइबल, पवित्र वेदी, वचन मंच, प्रवचन मंच, पवित्र जल, माता मरियम की मूर्ति, संतों की मूर्ति। गिरजाघर में प्रार्थना कीजिए। पवित्र संदूक के सामने घुटने टेकिए और नमन कीजिए। क्रूस का चिन्ह बनाइए। अपने ही शब्दों में प्रभु की स्तुति कीजिए। अनेक वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और प्रभु से आशीष मांगिए। धन्यवाद।